सांबर डियर की पैलेट्स हैं ये जी। दोस्तों यहाँ की वन संपदा देखो। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों ये हमारे दरोगा जी मिस्टर जोशी जी, और ये पटवाल जी वन आरक्षी। और जंगल देखो कितना सुंदर है यहाँ पे ना, बहुत ही बढ़िया है। और बहुत से गेस्ट जो है वो आते हैं तो वो कहते हैं कि हमें टाइगर दिखे, एलिफेंट दिखे, हर चीज़ दिखे। अरे एनिमल ही सब कुछ नहीं है यहाँ पे, जो है नेचुरल जंगल है। और जंगल में मेन चीज़ क्या है, प्योर ऑक्सीजन। चाहे एनिमल मिले या ना मिले, प्योर ऑक्सीजन मिल गए तो ये समझो कि सब कुछ ही मिल गया। बिल्कुल सर। है कोरोना वायरस में देखो सांस लेने में कितनी दिक्कतें हो रही थी ना लोगों को, भाई जब जंगल है तो तभी सब कुछ है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एनिमल पे ही विशेष फोकस नहीं करना, ये जो नेचुरल है, नेचुरल जंगल का भी आनंद लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे कि जो नेचुरल फील लेने की बात कर रहे हैं पटवाल जी, कि अगर आप जंगल भी विजिट करते हैं और प्रकृति से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे आप। ज़रूरी नहीं है कि वाइल्ड लाइफ की अगर साइटिंग हो रही है तो बहुत सही है, लेकिन वैसे भी आप नेचुरली फील ले सकते हैं। देखो कितनी अच्छी बर्ड्स हैं, और ये देखो प्लांट, देखो कितने अच्छे प्लांट हैं, ये देखो नेचुरल व्यू देखो दोस्तों। तो दोस्तों देखो सुबह का वक्त है, और जो ये सूरज है देखो, सनलाइट देखो एकदम फिल्टर होके नीचे पड़ रही है, तो कितना अच्छा लग रहा है मतलब ना। तो अभी हम जा रहे हैं बैल पड़ाव की तरफ, ये है दरोगा जी। और अभी जब हम वहाँ पर बैठे थे धूप ही धूप थी, और 50 मीटर के आगे जो है धुंधी धुंध है, देखो बड़ा फॉगी हो रखा है। तो दोस्तों पानी देख रहे हो आप, एकदम फ्रेश है एकदम। इस तरफ आप देख रहे होंगे पूरा को पूरा साल ट्री देखो अपनी प्राइमरी स्टेज में है, और ये बड़ा होकर इतना बड़ा बन जाएगा कि क्या ही कहें। और ये इकोसिस्टम जो है इससे बैलेंस हो। दोस्तों देखो जगह जगह देखो, ये जो है ना ये वाटर बॉडीज देखो कितना अच्छा लग रहा है, मतलब इसका लेवल जो है क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा है। और इसकी मतलब क्या ही कहें, ये देखो नीचे से ग्राउंड वाटर है, नीचे से आ रहा है ये देखो। दोस्तों मेरे पीछे चल रहे हैं नॉर्वी जी, और आज हम लोग जो है मिलके गश्त कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत जो है देख रहे हैं कि अच्छे वो क्या था, अच्छा दोस्तों वो चीतल स्पॉटेड डियर थी। तो ये आप देख रहे हैं ये ग्रीन ग्रीन की जो काई जैसी है, ये लाइकेन है देखो ये। इससे पता चलता है कि जो बगल ये पत्थरों में लगा हुआ है ना, तो इससे पता चलता है कि जो इन्वायरमेंट हेल्दी है यहाँ का, जो भी है ना इकोसिस्टम देख रहे हैं। हाँ सर, ये है रोहिणी। हाँ। जो साल फॉरेस्ट की जननी है। जी जी जी, रोहिणी है। और ये हमारा साल है छोटा जो जम रहा है। और इसकी एक विशेषता ये है कि इसकी नर्सरी नहीं होती है। हाँ। जंगलों में प्राकृतिक रूप से ही उगता है। हाँ। और लगभग 24 घंटे जो नमी मिलती है जी, उसके द्वारा इसका जीवन उपजाऊ होता है। ठीक ठीक। और ये सारे ये देखिए जी जी जी, ये जामुन, ये तो जामुन है। बहुत प्राकृतिक रूप से बिल्कुल इलाका है। दोस्तों ये देखो एकदम कितना सुंदर व्यू दिख रहा है, क्योंकि जो आपकी सनलाइट है ना नीचे जब पड़ रही है एकदम फिल्टर होके आ रही है, देखो कितना प्यारा शानदार नजारा है मतलब। दोस्तों यहाँ की वन संपदा देखो, और कितना प्यारा व्यू आ रहा है पीछे मेरे साइड देख सकते हैं। और मेरे पीछे डॉर्बी जी है जो चल रहे हैं, थोड़ा थक गए हैं ऐसा लग रहा है मुझे। देखो जंगल में मुझे कुछ मिला है, अमरूद जैसा लग रहा है कुछ, अच्छा आंवला है, सॉरी अम्बालिका। आप ट्री देख रहे हैं, यह पारिजात का पेड़, वो प्रजाति यहाँ पर है, उसी के सीड गिर रहे हैं। हाँ। वही जम रहा है, वही जम रहा है, तो वो पूरा का पूरा पैच एक ही स्पीसीज का मिलेगा आपको। दोस्तों इधर का व्यू दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, व्यू देखिए। और दोस्तों ये जो घास देख रहे हैं आप, इससे जो है इसको बाबड़ घास बोलते हैं, और अगर ये आपके हाथ पे लग गई ना तो खुजली करती है बहुत ज़्यादा। और दोस्तों इसका जो पाए वाई में जो चारपाई का होता है ना, उस पर बांधने के काम भी आता है। मेरे पीछे का जो आप नज़ारा देखो कितना प्यारा और कितना सुंदर। तो ये जो लाल मिट्टी है, इसमें लोहांस की अधिकता पाई जाती है, इसलिए लाल दिख रहा है, हेमेटाइट है ये। तो दोस्तों अभी हम लोग इधर पहुँचे हैं, और यहाँ जगह काफ़ी शानदार दिख रही है। और ये देखो इस तरफ भी एक पेड़ है उसका, खैर का तो आप जो देख रहे हैं ये सब का सब जो है ना, तो मेरे चारों तरफ जो आप देख पा रहे हैं ये पूरा का पूरा जो है बेल ही बेल है, बेल के वृक्ष बने हुए देखो। तो दोस्तों मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये चारों तरफ जो है
ये सब के सब बेल का वृक्ष है। दोस्तों गर्मी हो गई है और चलते चलते और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरे पीछे देखो ये इस तरफ पूरा तेंदू पत्ता और साल ट्रीज है यहाँ पर। यह कटबेरी का पेड़ और देखो छोटे छोटे काले काले दिख रहे हैं ना, ये जो आप ये वाले ट्री देख रहे हैं ये सब खैर है, सिनेगेलिया केचू है उसका साइंटिफिक नेम। देख रहे हैं पूरा रेड रेड इसलिए है ना क्योंकि पूरी लाल मिट्टी है, क्योंकि यहाँ लोहांस की मात्रा अधिकतर पाई जाती है। देखो जहाँ जहाँ तक नज़र जाती है पूरे का पूरा लाल एकदम। दोस्तों मेरे पीछे आप व्यू देखिए कितना कलरफुल, और ट्री देखो कितने पत्ते कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, मतलब ना कलरफुल लग रहे हैं। इसमें जो आप देख रहे हैं यहाँ पर तो खैर दिख रही है, खैर हो गया आपका, तेंदू पत्ता हो गया और जंगली बेरी हो गया, सब कुछ जो है यहाँ पर जो है सब चीज़ की प्रेजेंस है। और जो यहाँ पर देख रहे हो पूरा का पूरा जो लाल मिट्टी वाला एकदम। इस तरफ तो जो टर्माइट माउंट्स भी बने हुए हैं ना एकदम रेड रेड कलर के हैं देखो, क्योंकि ये हम काफ़ी हाइट पे आ चुके हैं और यहाँ पर जो है मिट्टी जो है पूरी की पूरी ब्राउन है एकदम लाल। ये देखो आपके बेल के कांटे दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो पहले के टाइम में जो है इन कांटों से ही जो है जब कभी कुछ चुभ जाता था तो इनसे ही जो है निकालते थे। ये जो मेडिसिनल प्लांट का काम करता है, मेडिसिनल प्लांट ही है ये, पूरा का पूरा जो है बेल ही बेल के वृक्ष हैं। और ये देखो था ये जो है आपका साल ट्री वाला फॉरेस्ट शुरू हो जा रहा है। देखो दोस्तों इधर का नज़ारा देखिए, ये देखो बरसात के टाइम में देखो पूरा मिट्टी ऐसे बही होगी, एकदम भूचरण हो रखा है इधर साइड को। देखो दोस्तों एकदम चंबल का बिहड़ जैसा इलाका लग रहा है ये पूरा का, बरसात के टाइम में ना पूरा भूचरण हो रखा है एकदम, जब पानी आया होगा तो पूरा बहा के ले गया, इसलिए इनके जड़ें देख रहे हो इतने ऊपर तक होगा मिट्टी का लेवल, पूरा बहा के इतना नीचे हो गया। देखो पेड़ देखो कैसे लटक रखा है, स्लोप देख रहे हो ये इतना डाउन डाउन है ना एकदम, क्या ही कहें। देखो इसको एकदम चलना है, ये पैलेट्स हैं इसकी, सांबर डियर की पैलेट्स हैं ये जी ना, इसके अंदर अभी आपको दिख रहा होगा पूरा का पूरा ये मिट्टी है जी। इनकी बॉडी में भी जो है कमी हो जाती है मिनरल्स की, तो वो ऐसी लाल वाली जो मिट्टी होती है उसको ये चाटते हैं, तो ये पूरी ड्रॉपिंग्स में ऐसी करके निकलेंगी जी। देख रहे हैं जी सर, तो ये है तो मेलेटस फिलिम्पिस, ये देखो कमला ट्री, अब दिखाता हूँ आपको। ये देखो पहले भी आपको मैं बहुत बार दिखा चुका हूँ इसको दोस्तों, ये देखो पोर्क्यूपाइन के कांटे इतने सारे हैं। अगर आपको जंगल में कोई भी वाइल्ड एनिमल या किसी भी चीज़ की जो भी मिलता है ना तो उसको वहीं छोड़ो, क्योंकि अगर आप इसको घर ले जाएंगे या अपने साथ ले जाएंगे तो वो वन अपराध की श्रेणी में आता है, तो इनको जैसा है वैसी स्थिति में छोड़ दो। ये पीएमएल है इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक की पीएमएल है, और ये इसकी पीएमबी हो गई। फिलहाल खाल है इसमें जो है हम वर्षा जल को जो है संरक्षण करते हैं, स्टोर करते हैं, ताकि जो है एनिमल हो गया और बाकी चीज़ों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। ये देखो एक यहाँ बना है, एक वहाँ बना है, आके कई बहुत सारे बने हुए हैं मतलब। तो दोस्तों ये इंची टेप होता है और इससे जो है हम जो है टाइगर हो या फिर लेपर्ड कुछ भी कोई सी वाइल्ड एनिमल हो तो पता लगा सकते हैं कि उसके पग मार्क्स से मेल है फीमेल है, और एलिफेंट का जो है हाइट पता कर सकते हैं, उसके पैट से जो है उसके हाइट का मेजरमेंट कर सकते हैं कि कितना फिट जो है लंबा है करके। तो दोस्तों इस प्रकार जो है बने रहिए, और जो है जो वन्य जीव हैं वो राष्ट्र की संपत्ति है, इनका संरक्षण करिए, और जो है वन संपदा को जो है नुकसान न पहुंचाइए। तो मैं दिखाता हूँ इस तरफ, और अभी अपनी गाड़ी आने वाली है तो हम मैं जाऊँगा अपने क्षेत्र की तौर। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी, तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। ओके बाय बाय, धन्यवाद। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं अपनी चौकी पे, तो दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे, तो बने रहिए मेरे साथ, धन्यवाद।